सो गाइस, आज मैं सुपर पेट्स फिल्म को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी और आप इस वीडियो का 10K लाइक में जल्दी पूरा कर देंगे। इस कहानी की शुरुआत में हमें क्रिप्टोन ग्रह को दिखाया जाता है जो कुछ ही समय में नष्ट होने वाला था। वहाँ काल एल यानी की बेबी सुपरमैन अपने डॉग क्रिप्टो के साथ खेल रहा होता है कि तभी वहाँ पर सुपरमैन के मॉम डैड आ जाते हैं जो सुपरमैन को एक स्पेसशिप में बिठा कर अर्थ पर भेजना चाहते हैं ताकि वो क्रिप्टोन की तबाही से उसे बचा सके। सुपरमैन के पेरेंट्स जब सुपरमैन को स्पेसशिप में बिठाते हैं तो क्रिप्टो भी भागकर सुपरमैन के साथ स्पेसशिप में बैठ जाता है। क्रिप्टो को सुपरमैन के साथ देखकर सुपरमैन के डैड उसे बाहर निकालना चाहते हैं, लेकिन सुपरमैन की मॉम उन्हें कहते हुए मना कर देती है कि हमारे बेटे को एक दोस्त की जरूरत होगी, तो वो भी मान जाते हैं। अब स्पेसशिप सुपरमैन और क्रिप्टो के साथ आसमान की गहराइयों में उड़ जाता है और अगले ही पल क्रिप्टोन ग्रह पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है जिसमें सुपरमैन के मॉम डैड मारे जाते हैं। अब स्पेस में सफर के दौरान जब सुपरमैन रोने लगता है तो क्रिप्टो उसे शांत करता है और उसे प्यार करता है जिससे सुपरमैन को बहुत अच्छा लगता है। फिर हमें अर्थ पर प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहां सुपरमैन सो रहा होता है और क्रिप्टो उसे उठाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि अर्थ पर सुपरमैन अपने डॉग क्रिप्टो के साथ मेट्रोपोलिस सिटी में अपनी रियल आइडेंटिटी को छुपाकर क्लार्क नाम से रहता है। लेकिन समय पड़ने पर ये दोनों अपनी रियल फॉर्म में आकर सिटी की सुरक्षा भी करते हैं जिससे लोग इन्हें सुपरमैन और सुपर डॉग क्रिप्टो के नाम से जानते हैं। सुपरमैन क्लार्क की आइडेंटिटी में डेली प्लेनेट नाम के एक न्यूज एजेंसी में काम करता है और उसे लोइस नाम की एक जर्नलिस्ट बहुत पसंद होती है और वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। सुपरमैन क्रिप्टो के साथ लोइस से मिलने जाता है, लेकिन यहाँ पर क्रिप्टो सुपरमैन और लोइस के ज्यादा करीब आने से बिल्कुल भी खुश नहीं होता, क्योंकि उसे लगता है कि अगर लोइस और सुपरमैन ज्यादा करीब आ गए तो क्रिप्टो का एकलौता दोस्त सुपरमैन उसे भूल जाएगा। इसीलिए बार बार सुपरमैन और लोइस के बीच में आकर उन्हें डिस्टर्ब कर रहा होता है। ये देखकर सुपरमैन बैट टॉय को पार्क में दूर फेंक देता है और क्रिप्टो को उसे लाने को कहता है ताकि वो लोइस के साथ अकेले में कुछ टाइम स्पेंड कर सके। लेकिन क्रिप्टो के पास भी सुपरमैन की तरह ही सुपर स्पीड की पावर होती है, इसीलिए अगले ही पल बैट टॉय को लेकर वापस आ जाता है। ये देखकर सुपरमैन गुस्से में बैट टॉय को जोर से फेंकता है जिसकी वजह से पार्क के एक पेड़ के अंदर चला जाता है और जब क्रिप्टो उस बैट टॉय को पेड़ के अंदर से बाहर नहीं निकाल पाता तो पूरे पेड़ को ही उखाड़ कर सुपरमैन की तरफ लेकर जाने लगता है। लेकिन रास्ते में क्रिप्टो को दो डॉग मिलते हैं जो क्रिप्टो को देखकर बहुत खुश होते हैं क्योंकि क्रिप्टो पूरे शहर में फेमस होता है। क्रिप्टो उन दोनों डॉग को देखकर उन्हें अपना पंजा ऑटोग्राफ देता है, लेकिन एक डॉग क्रिप्टो को बताता है कि बहुत जल्द सुपरमैन उससे अपना पीछा छुड़ा लेगा क्योंकि सुपरमैन की लाइफ में लोइस की एंट्री हो गई है। तो क्रिप्टो को उनकी बातों पर विश्वास नहीं होता, लेकिन जब वो सुपरमैन और लोइस को किस करते हुए देखता है तो उसे विश्वास हो जाता है कि अब लोइस उसकी जगह लेने वाली है, इसीलिए वो बहुत दुखी होता है। लोइस जब क्रिप्टो को देखती है तो उसे समझ आ जाता है कि उसकी वजह से क्रिप्टो बहुत अकेला फील कर रहा होगा क्योंकि सुपरमैन के अलावा क्रिप्टो का कोई भी फ्रेंड नहीं होता, इसीलिए सुपरमैन को क्रिप्टो के लिए एक फ्रेंड ढूंढने को कहती है। सुपरमैन को लोइस का यह आइडिया बहुत पसंद आता है, इसीलिए अगले दिन क्रिप्टो के साथ एक एनिमल एडॉप्शन सेंटर में जाता है जहाँ पर वो क्रिप्टो को शॉप के बाहर ही रहने को बोलकर खुद क्रिप्टो के लिए एक पार्टनर ढूंढने के लिए शॉप के अंदर चला जाता है। उस एनिमल शेल्टर में एश नाम का एक डॉग शॉप से भागने की कोशिश कर रहा होता है। वहीं एश के बगल वाले पिंजरे में बंद पीबी नाम की एक पिग एश को ऐसा करते हुए देखकर बहुत खुश होती है क्योंकि वो वंडर वुमेन की बहुत बड़ी फैन होती है और एक बार वंडर वुमेन भी एश की तरह ही डॉक्टर पॉइजन के केस से भागी थी। यहाँ पर चिप नाम का एक रेड स्केलर भी होता है जो किसी भी चीज से बहुत डरता है। वहीं एक बूढ़ी टर्टल और लुलू नाम की एक गिनी पिग भी इनके साथ इस शॉप के पिंजरे में कैद होती है। लुलू पहले लेक्स लूथर नाम के एक साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थी जिसकी वजह से उसकी बॉडी के सारे बाल झड़ गए और एक दिन सुपरमैन और क्रिप्टो ने मिलकर लूथर के इलीगल एक्सपेरिमेंट को बंद कर दिया और क्रिप्टो लुलू को इस शॉप में ले आया ताकि लुलू को एक बेहतर भविष्य मिल सके। लेकिन लुलू इससे बिल्कुल भी खुश नहीं थी क्योंकि वो लूथर को अपना गुरु मानती है, इसीलिए वो इस शॉप से बाहर निकलने के लिए एक डिवाइस बना रही होती है। लेकिन एश को लुलू की ये डिवाइस एक कचरे का ढेर लगता है। अब एश किसी तरह से शॉप से भाग जाता है, लेकिन वो जल्दबाजी में शॉप के बाहर खड़े क्रिप्टो से टकरा जाता है जो इस समय एक नॉर्मल डॉग के फॉर्म में होता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि एश शॉप से भाग रहा है तो सुपर डॉग क्रिप्टो के फॉर्म में आकर एश को वहाँ से भागने से रोक देता है। यहाँ पर जब एश क्रिप्टो को बताता है कि
सुपरमैन शॉप में क्रिप्टो के लिए एक पार्टनर ढूंढने आया है तो क्रिप्टो को एश की बातों पर विश्वास नहीं होता क्योंकि उसको लगता है कि सुपरमैन ऐसा कभी नहीं करेगा। अब सुपरमैन भी अपने एक्सरे विजन पावर की मदद से ये देख लेता है कि शॉप के बाहर क्रिप्टो एश के साथ फाइट कर रहा है। अब यहाँ पर एश को एक बार फिर से शॉप में कैद कर लिया जाता है। अगले सीन में हम क्रिप्टो और सुपरमैन को देखते हैं जो साथ में बैठकर बुक पढ़ रहे होते हैं कि तभी इन्हें अजीब तरह की आवाजें सुनाई देने लगती है और जब ये बाहर देखते हैं तो इन्हें पता चलता है कि लूथर एक ऑरेंज मीटियोराइट को अपनी तरफ खींच रहा है। ये देखकर क्रिप्टो और सुपरमैन लूथर को रोकने के लिए उसके रिसर्च हेडक्वार्टर तक पहुँच जाते हैं जहाँ पर लूथर उस ऑरेंज क्रिप्टोनाइट की मदद से सुपरमैन से भी ज्यादा पावरफुल बनने का प्लान बना रहा होता है क्योंकि ऑरेंज क्रिप्टोनाइट इतना पावरफुल होता है कि वो किसी को भी सुपर पावर दे सकता था। सुपरमैन को देखकर लूथर ऑरेंज क्रिप्टोनाइट को सिटी के ऊपर गिराने लगता है लेकिन क्रिप्टो वक्त रहते उसे हवा में ही पकड़ लेता है और सुपरमैन उस ऑरेंज क्रिप्टोनाइट को स्पेस में फेंक देता है। लेकिन अगले ही पल लूथर सुपरमैन और क्रिप्टो को अपने ग्रेविटेशनल मशीन में कैद कर लेता है जिसकी वजह से ऑरेंज क्रिप्टोनाइट एक बार फिर से शहर के ऊपर गिरने लगता है। लेकिन अब यहाँ पर जस्टिस लीग के बाकी के सुपर हीरो भी आ जाते हैं जिनमें होते हैं एक्वामैन, वंडर वुमैन, बैटमैन, फ्लैश और साइबोर्ग। अब ये लोग मिलकर बड़ी आसानी से लूथर को हरा देते हैं और ऑरेंज क्रिप्टोनाइट को वापस से स्पेस में फेंक देते हैं। लेकिन इस दौरान लूथर अपने रोबोटिक हैंड की मदद से ऑरेंज क्रिप्टोनाइट का एक छोटा सा टुकड़ा हासिल करने में कामयाब हो जाता है। लेकिन लूथर को इससे कोई पावर नहीं मिलती जिससे उसे कुछ समझ नहीं आता और वो कहता है कि बिना सुपर पावर के कोई नहीं लड़ सकता। लेकिन तभी बैटमैन वहाँ जाता है जो उसे कहता है कि बिना सुपर पावर के मैं लड़ सकता हूँ और वो उसे मुक्का मार कर नीचे गिरा देता है। क्रिप्टो ऑरेंज क्रिप्टोनाइट को वापस स्पेस में फेंक देता है जिससे सभी खुश होते हैं। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि एक अजीब सी रोशनी उस ऑरेंज क्रिप्टोनाइट के टुकड़े को वापस से अर्थ की तरफ खींच रही होती है। ये कोई और नहीं बल्कि लूलू होती है जो अपने द्वारा बनाई गई डिवाइस से सब कर रही थी। वो ऑरेंज क्रिप्टोनाइट को एनिमल शेल्टर में ले आती है जिससे लूलू के अंदर सुपर पावर आ जाती है और वो पीवी और उसके बाकी साथियों को बताती है कि मैं लूथर के साथ काम करती थी और हम दोनों सुपर पावर पाना चाहते थे मगर लूथर इसमें नाकामयाब रहा क्योंकि मुझे पता था कि ऑरेंज क्रिप्टोनाइट की शक्तियाँ सिर्फ जानवरों को ही मिल सकती है। इसीलिए मैंने काफी इधर उधर की चीजों को इकट्ठा किया और ये मशीन बनाई जिससे ऑरेंज क्रिप्टोनाइट अब मेरे पास है और वो अपनी सुपर पावर से कैसे आजाद हो जाती है। ऐश उसे कहता कि हमें भी साथ ले चलो क्योंकि हमें यहाँ से बाहर निकलना है। लेकिन उसकी बात नहीं सुनती क्योंकि वो सभी दिल से अच्छे थे इसीलिए उनसे नफरत करती थी। इसीलिए उन्हें चिढ़ाने के लिए एक कैट के साथ साथ शॉप से निकल जाती है। अब शॉप में लीली की तबाही की वजह से आग लग जाती है लेकिन ऑरेंज क्रिप्टोनाइट की वजह से ऐश और उसके दोस्तों को भी सुपर पावर मिल गई थी क्योंकि वो ऑरेंज क्रिप्टोनाइट उन सभी के बीच में गिरा था। ऐश के पास सुपर स्टैंड आ जाती है जिसकी वजह से उसे न तो चोट लग सकती थी न ही आग उसे जला सकती थी। पीवी के पास खुद को छोटा बड़ा करने की पावर आती है। वहीं चिप के पास इलेक्ट्रिसिटी की पावर और बूढ़े टर्टल को सुपर स्पीड की पावर मिलती है जिसकी मदद से ये लोग बड़ी आसानी से शॉप से भाग जाते हैं। वहीं फिर हमें क्रिप्टो को दिखाया जाता है जो बहुत खुश था क्योंकि आज वो सुपरमैन के साथ एक खास शो देखने वाला होता है। लेकिन जब वो सुपरमैन को तैयार होते हुए देखता है तो उसे पता चल जाता है कि आज सुपरमैन लोइस के साथ डेट पर जा रहा है। क्रिप्टो ये देखकर बहुत दुखी होता है और सुपरमैन से गुस्सा होकर कमरे में चला जाता है। सुपरमैन भी इससे उदास होता है लेकिन जब वो बाहर आता है तो देखता है कि वहाँ लोइस नहीं बल्कि लूलू होती है जो ग्रीन क्रिप्टोनाइट की मदद से सुपरमैन को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाती है। हालांकि सुपरमैन लूलू से लड़ने की पूरी कोशिश करता है लेकिन वो ग्रीन क्रिप्टोनाइट के सामने नहीं टिक पाता। वहीं दूसरी तरफ हम क्रिप्टो को देखते हैं जो सुपरमैन के साथ में शो न देख पाने से बहुत दुखी होता है। लेकिन जब वो पनीर के एक छोटे से टुकड़े को देखता है तो बहुत खुश होता है क्योंकि उसको लगता है कि सुपरमैन ने उसके लिए रखा है और उसे खा लेता है। तभी उसकी नजर बिल्डिंग के छत पर जाती है जो बीच में से टूटी हुई थी। ये देखकर क्रिप्टो को शक होना शुरू हो जाता है कि कुछ गड़बड़ तो जरूर है और जब वो बाहर जाकर देखता है तो वहाँ पर लूलू सुपरमैन को अपने साथ ले जा रही होती है। क्रिप्टो ये देखकर सुपरमैन को बचाने की कोशिश करता है लेकिन ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि उसकी सभी पावर चली गई थी। सुपरमैन को भी कुछ समझ नहीं आता तो लूलू से बताती है कि क्रिप्टो को फंसाना बहुत आसान था क्योंकि उसने चीज का जो टुकड़ा खाया था उसमें लूलू ने ग्रीन क्रिप्टोनाइट का एक टुकड़ा मिला दिया था जिससे क्रिप्टो भी बहुत कमजोर हो चुका था। लूलू सुपरमैन को लेकर वहाँ से चली जाती है।
है क्रिप्टो सुपरमैन को न बचा पाने से बहुत दुखी होता है। इसके बाद वो अपने डेट के होलोग्राफिक इमेज में बातें करता है जो उसके डेट ने पहले ही उसके लिए रिकॉर्ड कर दिए थे। वो उनसे मदद मांगता है। क्रिप्टो के डेट उसे बताते हैं कि तुम्हें सुपरमैन को बचाने के लिए सुपर पावर की कोई जरूरत नहीं, तुम बिना सुपर पावर के भी सुपरमैन को बचा सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें खुद को पहचानना होगा क्योंकि प्रॉब्लम तुम्हारे अंदर ही है। क्रिप्टो को अपने डेट की बातों से कुछ समझ नहीं आता कि आखिर वो क्या कहना चाहते हैं। तभी क्रिप्टो को कुछ दूरी पर बिजली चमकती हुई नजर आती है, जिसे देखकर क्रिप्टो को लगता है कि लुलू ने उसी जगह पर सुपरमैन को बंदी बनाकर रखा है, इसीलिए वो सुपरमैन को बचाने के लिए उस तरफ निकल जाता है। लेकिन वो कोई और नहीं बल्कि चिप होता है जो अपने हाथों से बिजली निकाल रहा था। अब यहाँ पर क्रिप्टो भी आ जाता है जो ऐश और उसके दोस्तों के पास सुपर पावर देखकर पूरी तरह से हैरान होता है और उनसे सुपरमैन को बचाने के लिए कहता है। जब ऐश को पता चलता है कि क्रिप्टो की सुपर पावर चली गई है तो क्रिप्टो का मजाक बनाने लग जाता है और सुपरमैन को बचाने में उसकी मदद करने से इनकार करके अपने दोस्तों के साथ वहाँ से जाने लगता है। तो क्रिप्टो उनसे पूछता है कि तुम सभी कहाँ जाओगे, तो क्रिप्टो को बताते हैं कि वो ऐश के साथ एक ऐसे फार्म में जा रहे हैं जहाँ बड़े बड़े पत्ते होते हैं और सभी जानवर खुशी से रहते हैं। क्रिप्टो ये सुनकर समझ जाता है कि ऐसा कोई भी पार्क नहीं और ऐश ने उनसे झूठ बोला। लेकिन इससे पहले कि वो बाकी के पेट्स को ये बताता कि ऐश उनसे झूठ बोल रहा है, ऐश क्रिप्टो को वहाँ से अपने साथ ले जाता है और उसे बाकी के पेट्स से सच्चाई बताने से मना करता हुआ क्रिप्टो को बताता है कि मेरे दोस्तों को कोई भी पसंद नहीं करता, इसीलिए मुझे उन्हें जीने की उम्मीद देनी थी तो मैंने उन्हें जुबान दी कि फार्म ही इनका नया घर होगा। तो क्रिप्टो को एक आइडिया आता है और वो ऐसे कहता है कि मैं तुम सभी को अपने फार्म पर लेकर जाऊंगा अगर तुम सुपरमैन को बचाने में मदद करोगे। तो ऐश भी मान जाता है। वही हमें लिली को दिखाया जाता है जो एक एनिमल शॉप में ऑरेंज क्रिप्टोनाइट की मदद से वहाँ मौजूद गिनी पिग्स को भी सुपर पावर दे देती है और कहती है कि अब से तुम मेरी टीम का हिस्सा हो। लेकिन अगले ही पल वहाँ पर बैटमैन आ जाता है जो लुलू को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो लुलू की सुपर पावर टीम के सामने नहीं टिक पाता और लुलू बैटमैन को बंदी बना लेती है। लेकिन तभी वंडर वुमेन वहाँ आ जाती है जो लुलू को अपनी रस्सी में कैद कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ हम क्रिप्टो को देखते हैं जो ऐश और अपनी टीम के साथ सुपरमैन को ढूंढ रहा होता है कि तभी ये टीवी पर आ रही न्यूज को देखते हैं जिसमें दिखाया जा रहा था कि लुलू अपनी टीम के साथ मिलकर पूरी जस्टिस लीग टीम को बड़ी आसानी से हरा रही होती है। अब क्रिप्टो भी अपनी टीम के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है और लुलू को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसके टीम के मेंबर को अपनी पावर कंट्रोल करना नहीं आ रहा था जिसकी वजह से लुलू इन्हें बड़ी आसानी से हरा देती है। यह देखकर क्रिप्टो खुद लुलू को रोकने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन लुलू अपनी पावर की मदद से उसे हवा में ही रोक देती है और शहर से बाहर दूर फेंक देती है। अगले सीन में हम लोइस को देखते हैं जो लूथर से मिलने के लिए जेल में आती है और उससे लुलू और सुपरमैन के बारे में पूछती है, लेकिन लूथर इससे साफ साफ इनकार कर देता है कि उसे सुपरमैन और लुलू के बारे में कुछ भी पता नहीं और ये जो कुछ भी हो रहा है उसमें उसका कोई हाथ नहीं। वहीं दूसरी तरफ हम जस्टिस लीग के मेंबर को देखते हैं जिन्हें लुलू ने लूथर की लैब में कैद कर रखा होता है। सुपरमैन को विश्वास होता है कि क्रिप्टो इन्हें बाहर जरूर निकाल लेगा। वहीं क्रिप्टो बेहोश पड़ा होता है, लेकिन जब उसकी आंख खुलती है तो ऐश और उसके दोस्त सामने होते हैं। फिर वो सभी जस्टिस लीग के हेडक्वार्टर हॉल ऑफ जस्टिस में आ जाते हैं जहाँ पर अपने पावर को कंट्रोल करना सीखते हैं। क्रिप्टो बहुत उदास होता है क्योंकि उसे लगता है कि अब सुपरमैन उससे प्यार नहीं करता। इस पर ऐश क्रिप्टो को बताता है कि वो एक पेट डॉग इसीलिए नहीं बनना चाहता क्योंकि जब वो छोटा था तो एक फैमिली ने उसे एडॉप्ट किया था जिससे ऐश बहुत खुश था। लेकिन एक दिन जब उस फैमिली की छोटी बच्ची सीढ़ी से नीचे गिरने वाली थी तो ऐश ने उसे बचा लिया, लेकिन इस दौरान ऐश के दांतों के निशान छोटी बच्ची के हाथों पर आ गए जिसे जब उसके पेरेंट्स ने देखा तो उन्हें लगा कि ऐश उस छोटी बच्ची को नुकसान पहुंचाना चाहता है, इसीलिए उन्होंने ऐश को एनिमल शॉप में भेज दिया। क्रिप्टो ऐश की स्टोरी सुनकर बहुत दुखी होता है। वहीं दूसरी तरफ लुलू अपनी टीम के साथ उस जेल में पहुंच जाती है जहां पर लूथर कैद होता है। वो जेल के रोबोटिक गार्ड्स को मारकर लूथर को जेल से आजाद करवाने के लिए आगे बढ़ रही होती है। इसके बाद हम क्रिप्टो को देखते हैं जो वंडर वुमेन के स्पेसशिप को लेकर सुपरमैन को बचाने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन रास्ते में इनके शिप पर कोई मिसाइल से हमला कर देता है जिसकी वजह से इनकी शिप क्रैश होकर नीचे गिर जाती है जहां पर वही केट होती है जिसे लुलू ने अपने साथ पेट शॉप से बाहर निकाला था। अब ऑरेंज क्रिप्टोनाइट की वजह से इस केट में भी सुपर पावर आ गई थी और लुलू ने ही उसे यहाँ उन्हें रोकने भेजा था। वो केट अपनी बॉडी के अंदर से मिसाइल और बॉम्ब निकालकर इनके ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देती है, लेकिन ये लोग मिलकर किसी तरह उस केट
को एक डस्टबिन टैंक के अंदर कैद करके वहाँ से निकल जाते हैं और उस जेल में पहुँचते हैं जहाँ लूथर कैद होता है। वहीं दूसरी तरफ हम लुलु को देखते हैं जो अपनी सुपर टीम के साथ लूथर के पास पहुँच जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो लूथर को जेल से बाहर निकालती वहाँ पर क्रिप्टो भी अपने दोस्तों के साथ आ जाता है, क्योंकि चिप और पीबी ने अपने पावर पर कंट्रोल करना सीख लिया था। इसीलिए मिलकर लुलु को अपने कब्जे में ले लेते हैं, लेकिन लुलु अपनी पावर की मदद से क्रिप्टो के ऊपर एक बड़ा सा मेटल लाकर उन्हें खुद को आजाद करने के लिए कहती है, नहीं तो क्रिप्टो को मार देगी। लुलु को ऐसा करता देखकर ये लोग उसे आजाद कर देते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि लुलु क्रिप्टो को कोई नुकसान पहुंचाए। अब लुलु क्रिप्टो के साथ ही उसके सारे दोस्तों को जेल में बंद कर देती है और लूथर को जेल से बाहर निकाल देती है, लेकिन जेल से बाहर आने के बाद लूथर लुलु को जेल में बंद कर देता है और अपनी असिस्टेंट के साथ वहाँ से निकल जाता है, क्योंकि उसे लुलु पर भरोसा नहीं था, क्योंकि वो सिर्फ एक गिनी पिग थी जो उसके एक्सपेरिमेंट की वजह से थोड़ी इंटेलिजेंट बन गई। लुलु ये सब देखकर बहुत दुखी होती है और अब वो लूथर को मारना चाहती है, इसीलिए अपने दो गिनी पिग जिनके पास फायर और वाटर की पावर होती है उनकी मदद से जेल से बाहर आ जाती है और लूथर को मारने के लिए वहाँ से निकल जाती है। इस समय क्रिप्टो बहुत दुखी होता है, उसे लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन तभी वो देखता है कि उसकी पावर फिर से वापस आ गई है, जिसकी वजह से वो बड़ी आसानी से जेल से बाहर आ जाता है और अपने सारे दोस्तों को भी आजाद कर देता है। क्रिप्टो अकेले सुपरमैन को बचाने के लिए निकल पड़ता है, क्योंकि अब अपने दोस्तों की जान खतरे में नहीं डालना चाहता। वहीं दूसरी तरफ हम लुलु को देखते हैं जो अपनी टीम के साथ लूथर के हेडक्वार्टर की तरफ बढ़ रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर क्रिप्टो आ जाता है जो लुलु को रोकने की कोशिश करता है। क्रिप्टो को देखकर लुलु अपने सुपर गिनी पिग्स की टीम को क्रिप्टो को रोकने को कहती है और जब क्रिप्टो उनसे फाइट करने में बिजी हो जाता है तो इसी मौके का फायदा उठाकर लुलु लूथर के पास आ जाती है, जहाँ पर वो लूथर को भी जस्टिस लीग मेंबर के साथ कैद कर देती है। ये सब देखकर लूथर की असिस्टेंट वहाँ से भाग जाती है। अब लुलु लूथर को जस्टिस लीग के साथ ही हमेशा के लिए अंतरिक्ष में भेजना चाहती है, इसीलिए लूथर और जस्टिस लीग मेंबर को एक रॉकेट से अटैच करके अपने दोनों गिनी पिग्स को रेड बटन प्रेस करके रॉकेट लॉन्च करने को कहती है, लेकिन ऐसा करने से मना कर देते हैं, क्योंकि वो समझ गए थे कि लुलु जो भी कर रही है वो गलत है। लुलु ये सब देखकर बहुत गुस्सा होती है और उन दोनों गिनी पिग्स को पनिश करने के बाद खुद रेड बटन प्रेस करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी वहाँ पर क्रिप्टो आ जाता है जो लुलु को लेकर बिल्डिंग से नीचे कूद जाता है, लेकिन फिर भी लुलु किसी तरह रॉकेट को लॉन्च कर देती है और उसने रॉकेट में बॉम्ब भी लगा दिया था, जिससे लूथर के साथ ही सारे जस्टिस लीग के मेंबर अंतरिक्ष में जाना शुरू हो जाते हैं। ये देखकर क्रिप्टो ने बचाने के लिए जाने लगता है, लेकिन लुलु लोइस के हेलीकॉप्टर को क्रैश कर देती है, जिसकी वजह से क्रिप्टो सोच में पड़ जाता है कि वो किसे बचाएगा। तभी वो देखता है कि उसके दोस्त भी अब वहाँ पर आ चुके हैं। अपने दोस्तों को देखकर क्रिप्टो बहुत खुश होता है और वो लोइस को बचाने के लिए निकल पड़ता है। वहीं पीबी लूथर कॉर्पोरेशन की बिल्डिंग पर पहुंचने के बाद अपना साइज बड़ा कर लेती है और टर्टल एश को चिप के साथ रॉकेट तक पहुंचा देता है, जिसके बाद एश और चिप मिलकर किसी तरह जस्टिस लीग और लूथर को बचा लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ क्रिप्टो लुलु को बहुत बुरी तरीके से मारता है, जिसके दौरान ऑरेंज क्रिप्टो नाइट भी टूट जाता है। इसके बाद लुलु टूटे हुए ऑरेंज क्रिप्टो नाइट को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करके एक मॉन्स्टर गिनी पिग में बदल जाती है और पूरे शहर में तबाही मचाना स्टार्ट कर देती है। इस समय जस्टिस लीग भी लुलु के सामने नहीं टिक पा रहे थे। ये देखकर क्रिप्टो सूरज के पास आ जाता है और सूरज की पावर एब्जॉर्ब करने के बाद लुलु को एक सोलर पंच मारता है, जिसकी वजह से लुलु की सारी पावर खत्म हो जाती है और वो फिर से एक नॉर्मल गिनी पिग बन जाती है। वहीं दूसरी तरफ सोलर पंच के मारने के बाद अब क्रिप्टो भी मरने वाला होता है, लेकिन एश क्रिप्टो को बचा लेता है। अब सब कुछ ठीक हो जाने के बाद क्रिप्टो एक बार फिर से सुपरमैन से मिलकर बहुत खुश होता है। अब सभी सुपर हीरो को उनका अपना सुपर पेट्स मिल जाता है, जैसे कि एश बनता है बैटमैन का पेट और टर्टल फ्लैश का, वही चीफ ग्रीन लैंटर्न का और पीबी वंडर वुमेन की, साथ ही फायर और वाटर गिनी पिग भी एक्वामैन और साइबोर्ग के पेट बन जाते हैं। अब जस्टिस लीग की तरह ही क्रिप्टो भी अपनी एक सुपर पेट्स की टीम बनाता है, जो मिलकर शहर में आतंक मचा रहे एक मॉन्स्टर डॉग को रोकने की कोशिश करते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है, लेकिन फिर पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें ये भी बताया जाता है कि लूथर की असिस्टेंट लुलु को अपने पेट की तरह अपना लेती है और यहीं पर ये मूवी फाइनली एंड हो जाती है। और गाइस, अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप एंड स्क्रीन पर क्लिक करके इस वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।